नमस्कार दोस्तों, आपको बाइकर जोन में स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हमारे पास सैलूटे है और दोस्तों इसमें जो है टायर है हमारे पास, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पंचर हो गए हैं और लीकेज बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसका हम टायर चेंज करने जा रहे हैं। तो किस तरह टायर चेंज होता है और किस तरह टायर चेंज करना चाहिए मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों ये जो टायर है बिल्कुल घिस चुका है, बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गया है। अब उसके बाद दोस्तों हमें ये दो नट खोलने पड़ेंगे, एक 22 नंबर का, एक 13 नंबर का है। अगर आपके पास स्प्लेंडर है तो दोस्तों आप एक 19 नंबर का लगेगा और 12 का लगेगा। जिस तरह मैं दिखाने वाला हूँ इस तरह आप किसी भी गाड़ी का टायर चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से, आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। और दोस्तों सही टायर डालने की दोस्तों मैं बताऊं तो इसके अंदर जो आप टायर डालें तो दोस्तों सीएट या एमआरएफ डालें, क्योंकि ये दोस्तों कंपनी के टायर हैं और यही टायर चलते हैं, और जो बाकी आप डालेंगे जो जल्दी नहीं चलते हैं। एक जेके कंपनी भी अच्छी है दोस्तों। चलिए हमने जैसे कि टायर खोल लिया है, तो दोस्तों जैसे कि हमने टायर खोल लिया, टायर खोलने के बाद हमें ये चाहिएगा जिससे हम वाल खोलते हैं, तो हम इसका पहले वाल खोल लेते हैं। और वाल खोलने के बाद दोस्तों हमें टैलीवर की ज़रूरत पड़ेगी, हमने जब वाल खोल लिया है इसका। अब दोस्तों टैलीवर से हम इस टायर को निकालेंगे और किस तरह टायर निकालेंगे आप ये देखिएगा एक बार दोस्तों। सबसे पहले आपको इसके ऊपर पैर रखना है, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो पैर रख के दोस्तों इस तरीके से आपको दबाना है चारों तरफ से और दूसरी साइड से भी, दोनों तरफ से आपको दबाना है और दूसरी साइड से भी दबाना है। अगर ये ना दबे दोस्तों आपको मशीन वाले के पास लेके जाना पड़ेगा, वैसे दब जाएगा इतना वो नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से दो टैलीवर लेने हैं और ये कुछ इस तरीके से पहले आपको अंदर हल्का से डाल लेना है दूसरा टैलीवर, दूसरे टैलीवर से टायर खोलना है ये इस तरीके से। ये कुछ और ये टैलीवर डाल डाल दोस्तों इस तरीके से आपको खोल लेना है। इसमें दोस्तों ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बड़ी आसानी से जो है इसके टायर खुल जाएंगे, जो आपको दिक्कत परेशानी किसी भी टायर में नहीं होगी। तो अगर आपने वाल खोला होगा तो आपका टायर बड़ी आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप जो है वाल खोल लें, और वाल खोलने के बाद आपका टायर जो है इतना दिक्कत परेशानी नहीं करेगा जितना वैसे करता है, बड़ी आसानी से आपका इस तरीके से टायर खुल जाएगा, आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। अब दोस्तों ये निकालेंगे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आपको साइड टायर के साइडों में हल्का हल्का चोट मारी, ये देखिएगा कि रिम पे चोट ना लगे, रिम पे चोट लग जाएगी दोस्तों आपका रिम जो है हल्का टेढ़ा हो सकता है। दोस्तों इसके लिए जो मैंने टायर मंगाया है वो ये टायर मंगाया है सीएट का 8018 टायर है दोस्तों, जो कि पहले जैसा लगा हुआ था, लेकिन दोस्तों पहले से बहुत ज़्यादा हैवी गुड्डी है दोस्तों, सीएट का टायर है ये देखिए, इसकी बिल्कुल बेकार गुड्डी है एक नंबर की, और इसकी 8018 टायर है सेम बिल्कुल टायर, ये देखिए इसमें और इसमें अंतर आप देख लीजिए, ये बहुत बहुत जल्दी घिस गया दोस्तों, ज़्यादा नहीं चला है वो टायर। अब दोस्तों हम ये डालेंगे और दोस्तों हम इसका वो निकाल लें। दोस्तों इसके अंदर जो है आप किसी भी गाड़ी के अंदर जो है जेन्युइन टायर यूज़ करें, आप नॉर्मल कोई लोकल टायर ना लगवाएं, जो MRF हो गया, सीएट हो गया, अपोलो हो गया और तुम्हारा जेके हो गया, बाकी TVS कंपनी के टायर ना डलवाएँ, क्योंकि TVS कंपनी के टायर दोस्तों एक नंबर के घटिया टायर होते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से अब आपको बैठाना है, क्योंकि नलकी दोस्तों इसकी ट्यूबलेस ही है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और साइडों में अगर रेगमाल और मार लीजिए, अगर आपकी दिक्कत परेशानी आती है लीकेज वगैरह होती है तो फिर आपको रेगमाल मारना पड़ेगा, या पहले से ही मार लीजिए। ये मैंने रेगमाल इसलिए नहीं मारा क्योंकि दोस्तों मैं पहला ही टायर चेंज कर रहा हूँ और इसमें मैंने ट्यूबवेल नहीं डाला है, तो क्या होता है लाइनिंग जो है बिल्कुल सही रहती हैं, तो उस पर ज़्यादा दबाव नहीं आता है, इसलिए मैंने रेगमाल नहीं मारा है। और टायर भी दोस्तों पहली बार ही खुला है ऐसे, और वो भी हमने चेंज करने के लिए ही खोला है। कुछ इस तरीके से हम हर तरफ से टायर को बैठा लेते हैं। टायर एकदम बैठ चुका है, इसके अंदर दोस्तों हवा डाल लेते हैं। ये गन से हवा डाल रहे हैं दोस्तों,
और दोस्तों इसके अंदर ऐसे हवा भर ले, और जैसे ही इससे हवा चली जाए तो आप जो है इसके बाद जो नॉर्मल जो होता है और जिससे हवा भरती है तो इस उसके बाद उसको लगा लें। और ये दोस्तों हमारा टायर एकदम बिल्कुल फिटिंग हो गया है बढ़िया तरीके से, और हमने इसके ये इस तरीके से टायर लगाया है। तो हमारी वीडियो दोस्तों यहीं तक थी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, और मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ तो हमें सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वीडियो को बताएं कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।